अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस छोटे से इम्पोर्टेंट पैराग्राफ को ट्रांसलेट करेंगे जिसका टाइटल है हिपोक्रेसी। इसका मतलब होता है दोस्तों मुनाफकत, यानी एक झूठ जाहिर करना, प्रिटेंड करना, दिखावा करना कि मैं ऐसा करता हूँ और मैं ऐसा नहीं करता। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि मैं आपको रोकता हूँ कि यार ये चीज़ ना खाया करें, ठीक है, और आपकी पीठ पीछे मैं वो चीज़ खुद खाने लग जाता हूँ। इसे कहते हैं दोस्तों मुनाफकत। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इस छोटे से पैराग्राफ को वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के साथ ट्रांसलेट करेंगे। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। हिपोक्रेसी, मुनाफकत इज है व्हेन, जब समवन, कोई शख्स या कोई प्रिटेंड्स, मतलब दिखावा करता है, जाहिर करता है, मतलब झूठा दिखावा करता है। टू हैव रखने का, बिलीव्स यानी ईमान या अकायद का, वैल्यूज इकदार का, और मोरल्स या इखलाकियात का, दैट जिन पर या जो, दे डू नॉट वो नहीं करते, ट्रूली यानी हकीकी तौर पर, फॉलो यानी अमल या मानना यानी खुद यकीन नहीं करते लेकिन झूठा दिखावा करते हैं। हिपोक्रेसी इज़ व्हेन समवन प्रिटेंड्स टू हैव बिलीव्स, वैल्यूज और मोरल्स दैट दे डू नॉट ट्रूली फॉलो। मुनाफकत ये है जब कोई शख्स ऐसे अकायद, इकदार या अखलाकियात का दिखावा करता है जिन पर वो हकीकत में अमल नहीं करता। इट मतलब ये ऑफन, अक्सर, हैपन्स होता है, व्हेन पीपल जब लोग, जज फैसला करते हैं, जज मतलब फैसला करना, अदर्स मतलब दूसरों का, फॉर एक्शंस यानी अमाल पर या अमाल के लिए, दे देमसेल्व मतलब जो वो खुद, सीक्रेटली यानी छुपकर, सीक्रेटली मतलब छुपकर, कमिट मतलब करते हैं। इट ऑफन हैपन्स व्हेन पीपल जज अदर्स फॉर एक्शंस और दे देमसेल्व सीक्रेटली कमिट। ये अक्सर तब होता है जब लोग दूसरों के अमाल पर फैसला करते हैं जो वो खुद छुप कर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, अ पर्सन एक शख्स में स्पीक बात कर सकता है, बोल सकता है, अगेंस्ट लाइंग यानी झूठ बोलने के खिलाफ, अगेंस्ट मतलब के खिलाफ, लाइंग मतलब झूठ बोलना, बट दे लेकिन वो, लाए मतलब झूठ बोलते हैं, व्हेन जब, इट बेनिफिट्स देम उसे फ़ायदा पहुंचता है या उसे फ़ायदा पहुंचाता है। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन मे स्पीक अगेंस्ट लाइंग बट दे लाए व्हेन इट बेनिफिट्स देम। मिसाल के तौर पर, एक शख्स झूठ बोलने के खिलाफ बात कर सकता है लेकिन जब उसे फ़ायदा पहुंचता है तो वो झूठ बोलता है। दिस बिहेवियर ये रवैया क्रिएट्स बनाता है अ फॉल्स इमेज यानी एक झूठी तस्वीर, अ फॉल्स इमेज मतलब एक झूठी तस्वीर, लीडिंग टू जिससे पैदा होती है या जिसकी वजह से, लीडिंग टू मतलब जिससे पैदा होती है या जिसकी वजह से, मिस्ट्रस्ट मतलब बदएतमादी यानी बंदे का ट्रस्ट जो है ख़त्म होता है, एंड और डिसअपॉइंटमेंट मायूसी, व्हेन जब, द ट्रूथ यानी सच या हकीकत इज रिवील्ड मतलब जाहिर होती है, रिवील का मतलब जाहिर होना। दिस बिहेवियर क्रिएट्स अ फॉल्स इमेज लीडिंग टू मिसट्रस्ट एंड डिसअपॉइंटमेंट व्हेन द ट्रूथ इज रिवील्ड। ये रवैया एक झूठी तस्वीर बनाता है जिससे बदएतमादी और मायूसी पैदा होती है जब हकीकत सामने आती है या जाहिर होती है। हिपोक्राइट्स, मुनाफकीन, हिपोक्राइट्स का मतलब होता है मुनाफकीन, हिपोक्राइट कहते हैं मुनाफिक को, मे शायद, अपीयर नज़र आते हैं, जाहिर होते हैं, टू बी काइंड यानी मेहरबान होने के लिए, और ऑनेस्ट या ईमानदार, बट देयर एक्शंस लेकिन उनके आमाल, उनके अमल, डोंट मैच मतलब मुताबकत नहीं करते, मुताबकत नहीं रखते, मैच नहीं करते, देयर वर्ड्स उनके अल्फाज से। Hypocrites may appear to be kind or honest, but their actions don't match their words.
منافقین شاید مہربان یا ایماندار نظر آئیں لیکن ان کے اعمال ان کے الفاظ سے مطابقت نہیں رکھتے. اوور ٹائم وقت کے ساتھ ساتھ ہپوکریسی یعنی منافقت ڈیمیجز نقصان پہنچاتی ہے. ڈیمیجز مطلب نقصان پہنچاتی ہے ریلیشن شپس یعنی تعلقات کو رشتوں کو. اینڈ شوز اور دکھاتی ہے ظاہر کرتی ہے دیٹ کہ سنسیئرٹی یعنی خلوص از فار مور امپورٹینٹ کہ زیادہ اہم ہے دین کے مقابلے میں پریٹینڈنگ مطلب دکھاوا کرنے کے مقابلے میں. پریٹینڈ مطلب دکھاوا کرنا ظاہر کرنا. ٹو بی پرفیکٹ یعنی کامل ہونے کا یعنی ایک دم صحیح ہونے کا. اوور ٹائم ہپوکریسی ڈیمیجز ریلیشن شپس اینڈ شوز دیٹ سنسیئرٹی از فار مور امپورٹینٹ دین پریٹینڈنگ ٹو بی پرفیکٹ. وقت کے ساتھ ساتھ منافقت رشتوں کو نقصان پہنچاتی ہے اور دکھاتی ہے کہ خلوص کامل ہونے کے دکھاوے سے کہیں زیادہ اہم ہے. سو فرینڈس یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. اگر ویڈیو آپ کو تھوڑی سی بھی یوزفل لگی ہو تو پلیز ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان کا بھی فائدہ ہو. سو فرینڈس اگر آپ بھی چاہتے ہیں اس طرح کی مزید ویڈیوز کی مدد سے اپنی اسپوکن انگلش کو اپنی ووکیبلری کو امپروو کرنا تو ہمارے اس چینل کے ساتھ کنیکٹ رہیں. تو دوستو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.